नमस्कार, अर्थप्रकाश टीवी की इस खास पेशकश पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। ट्राई सिटी का खबरनामा, इसमें हम चंडीगढ़ की कुछ खबरें, कुछ आसपास की खबरें और उसके साथ साथ कुछ राष्ट्रीय महत्व की खबरें भी आप तक पहुंचाते हैं। आज की अगर हम बात करें तो आज एक बार फिर से सबसे बड़ी खबर CDS जनरल बिपिन रावत के साथ जुड़ी खबर है। आज उनके पार्थिव शरीर को आज उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत का भी आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके अलावा ब्रिगेडियर लीडर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन लोगों की इस हादसे में जिनका देहांत हुआ है, जिनके शव की पहचान हुई है, उनका भी आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। बाकी शवों की पहचान नहीं हो पा रही है, अभी उसमें कुछ समय लग रहा है, लेकिन आज ये तीन लोगों के शवों का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। 17 तोपों की सलामी के साथ, जैसा कि प्रोटोकॉल है, CDS जनरल रावत को विदाई दी गई। आज उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों में जहां गृह मंत्री अमित शाह शामिल थे, वहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंचे। इसके अलावा और जो बड़ी हस्तियां आज उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंची, उनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ए राजा और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अजीत डोवाल, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो भी वहाँ पहुँचे। इसके अलावा और बहुत सारे डिग्निटरीज आज जनरल रावत उनकी पत्नी को अंतिम दिव्य विदाई देने के लिए पहुँचे। दिल्ली कैंट के बराड स्क्वायर में आज उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके अलावा आज दूसरी महत्वपूर्ण खबर किसानों को लेकर है। किसानों का आंदोलन अब औपचारिक तौर पर समाप्त हो गया है। किसानों ने जो दिल्ली बॉर्डर, सिंघू और टिहरी बॉर्डर पर जो टेंट लगा रखे थे, अब उनको वहां से उखाड़ना शुरू कर दिया है और वापसी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि उसके लिए कल का दिन मुकर्रर किया गया है, 11 दिसंबर का दिन रखा गया है, जिसे विजय दिवस या फतेह दिवस के रूप में किसान मना रहे हैं। और बाकायदा एक काफिले की शक्ल में, एक जुलूस की शक्ल में, ये जो पंजाब के किसान हैं वो कल 11 दिसंबर को रवाना होंगे वापस पंजाब के लिए। और इसके साथ साथ हरियाणा के भी जो किसान हैं वो भी अपने अपने गंतव्य स्थानों के लिए चल पड़ेंगे। और इस पूरी घटनाक्रम के बारे में हम आपको बता दें कि 11 दिसंबर को पंजाब के लिए फतेह मार्च शुरू होगा। उसके बाद 13 को 32 संगठनों के नेता दरबार साहिब में माथा टेकेंगे और 15 दिसंबर को 113 मोर्चे जो पंजाब भर में चल रहे हैं उनको समाप्त कर दिया जाएगा। इस तरह से ये आंदोलन, जो कि करीब 378 दिन चला, वो समाप्त हो जाएगा। और इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं में बलबीर सिंह राजेवाल प्रमुख थे। बलबीर सिंह राजेवाल का कहना है कि किसान दिल्ली की अहंकारी सरकार को जो है वो उसको हरा कर वापस जा रही है और उन्हें उम्मीद है कि सरकार ने जो वादे उनके साथ किए हैं उनको पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, इसे स्थगित किया गया है। 15 जनवरी तक किसान एक बार फिर 15 जनवरी को मिलेंगे और पूरी स्थिति का जो है वो समीक्षा की जाएगी कि क्या सरकार ने जो उनसे वादे किए हैं उनमें कुछ कदम आगे बढ़ी है या कुछ वादे पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। उसके बाद ही इस आंदोलन को पूरी तरह से समाप्त समझा जाना चाहिए। जहाँ तक सरकार और किसान संगठनों के बीच में जो समझौता हुआ है, उसमें मुख्य तौर पर जो समझौता वो MSP को लेकर है। सरकार ने किसान संगठनों को एक बार फिर से आश्वासन दिया है कि MSP को किसी भी तरह से समाप्त नहीं किया जाएगा और उसमें ज़्यादा फसलें आनी चाहिए या किस तरह से इसको प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाना चाहिए, इसके लिए जो समिति बनेगी उसमें किसानों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। 5 किसान नेता इस समिति में शामिल होंगे और उसके बाद MSP का ये जो पूरा मसला है इसको आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे वादे जो हैं
सरकार ने किसानों के साथ किए हैं, खासतौर पर मुकदमे वापस लेने का वादा जो है सरकार ने किया है। जितने भी इस आंदोलन के दौरान मुकदमे का दायर किए गए हैं किसानों के खिलाफ, उनको वापस लिया जाएगा। इसके लिए मुआवजे के लिए भी सरकार तैयार हो गई है। माना जा रहा है कि हरियाणा में भी और उत्तर प्रदेश में भी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, और पंजाब पहले से ही मुआवजा दे रहा है। तो इस तरह से कुल मिलाकर हालात अब सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में दोनों पक्षों के बीच में सहमति बनेगी और एक लंबे समय तक हल जो है वो एक पुख्ता हल इस पूरी समस्या का निकल सकेगा। तो ये थी हमारी आज की पेशकश अर्थ प्रकाश टीवी पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।